Hello everyone and welcome back to a product review video. So the product that I'm going to be reviewing today, वैसे उसको रिव्यू की तो जरूरत नहीं है, उसको किसी इंट्रोडक्शन की भी जरूरत नहीं है, लेकिन उसको लेके थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है जिनके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ. एंड इट इज वर्ल्ड रिनोन्ड फाउंडेशन विच इज बाय क्रेलॉन. सो दिस इज As everybody knows, this is TV Paint Stick by Krylon and my shade is Ivory. So before I jump के इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, there are some misconceptions that I really want to talk about. सबसे पहले तो ये कि जिस तरह day by day हमारी जो पाकिस्तानी आवाम है that is getting into the makeup, उतना ही they've started to not like this foundation, which I am मतलब मुझे समझ नहीं आती कि 6,000 से 7,000 की फाउंडेशन को हाउ कैन यू लुक डाउन अपॉन दैट फाउंडेशन. और उसके ऊपर जो लोग ये फाउंडेशन आपके ऊपर इस्तेमाल करते हैं, जो सलोन या मेकअप आर्टिस्ट अगर ये फाउंडेशन आपके ऊपर लगाते हैं, तो आप उनको भी समझते हैं कि वो आपके चेहरे पे कोई गलत चीज लगा रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये फाउंडेशन आपको केक ही बना देती है. वेल आई थिंक इसमें इस फाउंडेशन की कोई गलती नहीं है, बिकॉज दिस इज वॉट इज सपोज टू डू. दिस फाउंडेशन इज सपोज टू गिव यू फुल कवरेज इन मेकअप लुक. जब आप पार्टी मेकअप के लिए जाते हैं, ऑब्वियसली आप फुल कवरेज चाहते हैं, तो सलोन्स वाले तो आपको अच्छी चीज लगा रहे हैं. जितना इसको नापसंद किया जाता है इस फाउंडेशन को, That seems very unfair to me, because मेरे हिसाब से तो this is one of the best foundations in the world. आप जितने भी बड़े मेकअप आर्टिस्ट दुनिया के ले लें, पैट्रिक स्टार ले लें, निकी ट्यूटोरियल्स ले लें, अगर आप उनको जेन्युइनली फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि अपने बड़े बड़े इवेंट्स पे ऑल द बिगेस्ट यू नो यूट्यूबर्स ऑलवेज यूज दिस फाउंडेशन. दीज वर द लिटल पॉइंट दैट आई रियली वॉन्टेड टू टॉक अबाउट. एंड नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स कि इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं. तो सबसे पहले तो इसकी बात ये है कि आप इसके नीचे कोई स्किन केयर नहीं कर सकते. आई एम सॉरी, अगर आपको ये फाउंडेशन यूज करनी है, नो मॉइस्चराइजर, नो प्राइमर, नो सीरम, नथिंग. अगर आप इसमें से कुछ भी इसके ऊपर लगाएंगे तो ये फाउंडेशन स्टे ही नहीं करेगी. या फाउंडेशन आप इसको जितना ब्लेंड करेंगे, ये उतनी पैची हो जाएगी, ये वहां से उतर जाएगी अगर इसके नीचे थोड़ा सा भी मॉइस्चर होगा. हाँ, व्हाट यू कैन यूज इज स्प्रेज. आप सेटिंग स्प्रे यूज कर सकते हैं, रोज वाटर स्प्रे कर सकते हैं, या कोई हाइड्रेशन मिस्ट यूज कर सकते हैं. क्योंकि अगर आप इसको थोड़ी आपको इससे कवरेज चाहिए तो आप इसको फाउंडेशन ब्रश से लगा सकते हैं, और अगर आपको ज्यादा कवरेज चाहिए तो आप डायरेक्टली स्वाइपिंग मोशन में इसको अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं. ट्रस्ट मी गाइज, दिस शीज इज गोइंग टू गिव यू द मोस्ट फुल कवरेज, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट. जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इसके नीचे कोई भी प्राइमर यूज नहीं कर सकते, लेकिन ब्यूटीफाई बाय आमना का जो ये पोरफेट प्राइमर, दिस इज द ओनली प्राइमर, और सिर्फ ये फाउंडेशन प्राइमर है जो कि इसके नीचे लास्ट करता है, जो इसको इसकी कंसिस्टेंसी को डिस्टर्ब नहीं करता, और इसके ऊपर ये बहुत 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 अच्छा काम करती है. सो इफ यू रियली वॉन्ट टू यूज दिस फाउंडेशन, देन दिस कॉम्बो इज द बेस्ट. सो दिस वॉज अ लिटल रिव्यू फ्रॉम माई साइड. एंड इफ देयर इज एनी प्रोडक्ट दैट यू गाइज वॉन्ट मी टू रिव्यू और मेक अ वीडियो ऑन इट, तो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं. एंड दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड. बाय.